Hello everyone, welcome to Global Online Platform. This is Professor Swati Patil and today we are going to study about NTUGC NET June 2024. In this session, we have discussed today political science in its second political thought. इनसे आज हम रॉल्स, ग्राम्सी और माओ ज़ेडोंग जो है इनके बारे में प्रिपरेशन थ्रू एमसीक्यूज देखने वाले. ठीक है, तो आज के सेशन में यूनिट टू राजनीतिक विचारक जो है जॉन रॉल्स, एंटोनियो ग्राम्सी और माओ ज़ेडोंग, इसके बारे में आज हम प्रिपरेशन थ्रू एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में आए हैं और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनके बारे में आज पूरी हम जानकारी ले लेंगे. ठीक है, इसके साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट रॉल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन. ठीक है, रॉल्स की न्याय की अवधारणा किस पर आधारित है. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल, सेकंड इज एग्रीमेंट प्रिंसिपल, थर्ड वन डिफरेंस प्रिंसिपल, फोर्थ वन जॉइंट मेथड प्रिंसिपल. ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि रॉल्स की जो भी न्याय की अवधारणा है, न्याय की कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो है वह किस पर आधारित है. जो भी वितरण सिद्धांत पर आधारित है, एग्रीमेंट यानी समझौता सिद्धांत पर आधारित है, अंतर सिद्धांत या संयुक्त विधि सिद्धांत पर आधारित हो. तो रॉल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस प्रिंसिपल. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल पर वही आधारित नहीं है, यानी एग्रीमेंट प्रिंसिपल पर भी यह आधारित नहीं है. तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट डिफरेंस प्रिंसिपल वह क्या है. तो रॉल्स कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस प्रिंसिपल. रॉल्स डेवलप टू मेजर प्रिंसिपल फ्रॉम द स्कॉलरली फॉर्मुलेशन. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज नोन एज द लिबर्टी प्रिंसिपल. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिबर्टी प्रिंसिपल जो है तो फर्स्ट प्रिंसिपल है एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज नोन एज डिफरेंस प्रिंसिपल. यह हमें यहाँ पर पूछा गया था. जब भी ऑप्शन में जब लिबर्टी प्रिंसिपल हो तो इसका आंसर तो लिबर्टी हो सकता था, यानी लिबर्टी और डिफरेंस दोनों आए तो दोनों बोथ लिबर्टी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल आ सकते हैं. यानी रॉल्स डेवलप्ड टू मेजर प्रिंसिपल फ्रॉम हिज स्कॉलरली. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज नोन एज लिबर्टी, सेकंड वन इज दैट डिफरेंस प्रिंसिपल. अगेन रॉल्स हैज टेकन फुल नोटिस ऑफ दिस टू प्रिंसिपल एंड देयर नॉनसेंस. अकॉर्डिंग टू हिज प्रिंसिपल एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल राइट्स. ओके, लिबर्टी प्रिंसिपल इज व्हाट दैट एवरी person should have equal rights to fundamental freedom and also other person should have the same right to fundamental freedom. The freedom of one is expected to the compatible with the freedom of the other. That is means that liberty principle. Second means that so according to his second principle, the inequality or disparity found in the society should be properly planned. According to Rawls, if inequality is to the benefit of all and arises from position of power and social status, then all such position of power and social status should be open to all. That is called as difference principle. Further, Rawls in his discussion of the justice of leaders, states and the justice does not depends only on the equal opportunity but on the nature of the opportunity and many other things. While explaining this, Rawls presented in depth study on the concept of distributive justice. The gist of this formulation to the is to point out the fundamental differences between equal opportunities and justice being established. Providing justice and providing opportunities to marginalized person in the society are two completely different things. Here Rawls developed two major principles that known as liberty principle and different principles. ठीक है, next question is that इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के पहले देख सकते हैं कि एनटीयूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कर सकती है. जो भी जून के लिए जून और साथ ही साथ दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहते हैं, इनके लिए इन कंप्लीट कोर्स में फॉर जून 2024 और दिसंबर के लिए हाईलाइट्स ऑफ द कोर्सेज क्या है. तो डेली लाइव लेक्चर्स रहेगी, इसके साथ ही फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स भी रहेगी, फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे. जो भी दो लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्या कर सकते हैं, फुल सिलेबस नोट्स मिल सकते हैं. साथ ही मॉक टेस्ट अवेलेबल होगी, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको बताया जाएगा. लैपटॉप एंड
वेब भी रहेगा। इसके साथ ही कम्प्लीटली है हमारी न्यू बैच है 20 मई 2024 को स्टार्ट होने वाली, जो भी जून को टारगेट करना चाहते हैं, इसके साथ ही जो भी दिसंबर को टारगेट करना चाहते हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह बैच है जो भी कम्प्लीट कोर्स पॉलिटिकल साइंस की ग्लोबल ऑनलाइन से लॉन्च हो रही है। ठीक है, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस है 10,000 रुपीज़, लेकिन आपके लिए 20% डिस्काउंट रखकर ऑफर डिस्काउंट रहेगी 8,000 रुपीज़। इन 8,000 में जब भी आप पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, इनके साथ ही पेपर फर्स्ट आपको बिल्कुल ही मुफ्त मिलेगा, गेट कंप्लीट पेपर फर्स्ट फ्री विद कंप्लीट पेपर सेकंड। इसके लिए आपको ज्वाइन करना है, इन नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, साथ ही व्हाट्सअप करना है, और ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है वह आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोर स्टोर दिखेगा, यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज भी है, अलग अलग कोर्सेज माई कोर्सेज में जाकर आप UGC नेट पॉलिटिकल साइंस जब भी टाइप करेंगे वहाँ पर आप UGC नेट पॉलिटिकल साइंस का ओवरव्यू दिखेगा, कंटेंट दिखेगा, लाइव क्लासेस रहेगी, जो भी पूरे डेली लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्ड लेक्चर, सिलेबस, नोट्स, फुल मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट विद सॉल्यूशन ही आपको मिल सकता है। ठीक है, UGC नेट पॉलिटिकल साइंस 2024 की कम्प्लीटली न्यू बैच है। अब इनका ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो ड्यूरेशन पूरा 1 ईयर का रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही इनसे जल्द से जल्द जुड़े रहे, जल्द से जल्द एनरोल करें। जल्द से जल्द एनरोल करने के बाद आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही क्या होगा, हेल्प हो सकती है। ठीक है, और आने वाला जो भी आपका अटेम्प्ट है वो आप UGC नेट के लिए क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रॉल्स ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि रॉल्स की मूल स्थिति क्या है। ठीक है, व्हाट इज रॉल्स ओरिजिनल पोजिशन, अ प्रिमेटिव कल्चरल कंडीशन एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, अ हिस्टोरिकल इवेंट एट विच पीपल एग्री टू फॉर्म अ स्टेट, अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन थ्रू एक्सपेरिमेंट। यानी रॉयल्स की जब भी हमें मूल स्थिति बताया गया तो एक आदिम सांस्कृतिक स्थिति है क्या, आदिम सांस्कृतिक बारे में रॉयल्स ने हमें बताया क्या, बिल्कुल नहीं। मनोवैज्ञानिक द्वारा उपयोग किया जाने एक प्रायोगिक सेटअप है क्या, नहीं, वो भी साइकोलॉजिस्ट के यूज किया हुआ एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है। एक ऐतिहासिक घटना जिस पर लोग एक राज्य बनाने के लिए सहमत है, ऐतिहासिक घटना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉयल्स की मूल स्थिति जो है वही क्या है, एक हाइपोथेटिकल है, आइडियल है, इसके लिए वह हिस्टोरिकल इवेंट भी नहीं हो सकता, इसलिए यह भी आंसर क्या हो सकता है, यह भी आंसर इलिमिट हो सकता है। ठीक है, तो उनकी रॉयल्स की मूल स्थिति क्या है, तो एक काल्पनिक स्थिति है, एक विचार प्रयोग है, यह एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इसके लिए इनका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी, जो रॉयल्स ओरिजिन पोजिशन इज दैट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन अ थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो ना, तो इसके साथ ही इनका जवाब रहता है, आंसर इज दैट डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कि रॉल्स हैज मेड अ थ्योरेटिकल अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनल पोजिशन फ्रॉम हिज थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन हिज फॉर्मुलेशन रॉल्स अज्यूम दैट इफ वी ऑल कवर ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज विदाउट पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी नो अबाउट द वर्ल्ड एंड its inequalities, if we think of establishing a new social order, that social order will be bigger, just। ठीक है, इनके लिए क्या रॉयल्स का मानना है कि यदि हम सभी अज्ञान का पर्दा ओढ़ ले, यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस रहे, तो अर्थात दुनिया और उसकी असमानताओं के बारे में हम जो भी जानते उस पर क्या देना चाहिए, उस पर ध्यान दिए बिना एक नई सामाजिक व्यवस्था, जो भी एक नई सोशल सिस्टम, सोशल ऑर्डर जो रहेगी स्थापित करने के बारे में सोचे, वह एक सामाजिक व्यवस्था रहेगी, वह कैसी रहेगी, न्याय संगत हो जाएगी, यानी द सोशल ऑर्डर विल बिकम अ जस्ट। इन दिस द एब्स्ट्रैक्ट पोजिशन इन विच मैन विल बी आफ्टर कवरिंग द वेल ऑफ इग्नोरेंस इज कॉल्ड एज ओरिजिनल पोजिशन बाय रॉड्स। ठीक है, इसके साथ ही इनमें अज्ञानता का पर्दा जो ढकने के बाद मनुष्य जिस अमूर्त स्थिति में होगा उसे रॉड्स ने क्या कहा है, मूल स्थिति कहा गया। इन द बेसिकली कंडीशन नो वन हैज एनी आइडिया ऑफ हिज फ्यूचर इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस, एवरीवन विल स्ट्राइव टू क्रिएट अ सिचुएशन इन विच द राइट ऑफ इवन द लोएस्ट पर्सन विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। यानी यह सामाजिक व्यवस्था इन सोच पर आधारित होगी कि हर किसी को न्यूनतम अधिकार और अवसर मिलना चाहिए जिनकी हम उम्मीद करेंगे यदि हम उस क्या कर सकते स्थान पर होते, यानी अपॉर्चुनिटी दैट वी वुड एक्सपेक्ट इफ वी वेयर इन दैट प्लेस। इसके साथ ही हमें मालूम पड़ता है कि व्हाट इज मीन बाय ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 3, द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन रिसेंटली रिव्यूड अंडर अ
न्यू फॉर्म बाय नोजे, रॉल्स, ऑक्सॉर्ड या ग्राम्सी। ठीक है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सामाजिक अनुबंध के विचार को हाल ही में एक नए रूप के में पुनर्जीवित किया गया है। किसने ये पुनर्जीवित किया गया है? नोजिक द्वारा, रॉल्स द्वारा, ऑक्सफोर्ड द्वारा या ग्राम्सी द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया, वो भी रिसेंटली यानी पुनर्जीवित वहाँ पर किया गया। जहाँ पर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं, यहाँ पर ग्राम्सी कल्चर हेजेमनी के बारे में बात करते हैं, तो इनके यहाँ पर एलिमेंट हो सकते हैं, ऑक्सफोर्ड भी नहीं हो सकते। नोजिक जो है, जो क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्क्सिज्म है, इनके बारे में भी, वह जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में न्यू आइडियाज नहीं देते, तो इनका आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर रॉल्स हो सकता है। जो भी आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दी है वह रिव्यू अंडर अ न्यू फॉर्म बाय रॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर इज दैट, आंसर इज बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रॉल्स रेफर टू हिज थ्योरी एज। ठीक है, रॉल्स रेफर टू हिज थ्योरी एज जस्टिस एज इक्वालिटी, जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज लिबर्टी या नन ऑफ दिस। यानी रॉल्स अपने सिद्धांत को इस प्रकार संदर्भित करते, किस प्रकार संदर्भित करते? समानता के रूप में न्याय के संबंधित करते, न्याय निष्पक्षता के रूप में करते, या स्वतंत्रता के रूप में करते, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर रॉल्स अपने सिद्धांत को इक्वालिटी के बारे में संदर्भित नहीं करते, साथ ही स्वतंत्रता के बारे में भी संदर्भित नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो वहां पर फेयरनेस के बारे में रॉल्स ने कहा गया है, तो इसके बारे में इसका जो आंसर, आंसर इज दैट बी, जो रॉल्स रेफर टू हिज थ्योरी एज अ जस्टिस एज फेयरनेस। ठीक है, तो इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? जॉन रॉल्स वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर इन द लिबरल ट्रेडिशन। हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस डिस्क्राइब अ सोसाइटी ऑफ फ्री सिटीजन विद इक्वल बेसिक राइट्स एंड कोऑपरेटिंग एंड इगलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम। हिज थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म एक्सप्लोर्स द लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर इन अ डेमोक्रेसी इन विच एंड हाउ सिविल यूनिटी कैन सर्वाइव डिस्पाइट द डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड व्यू दैट अलाउ द फ्री इंस्टीट्यूशन। हिज राइटिंग ऑन द लॉ ऑफ द पीपल सेट आउट अ लिबरल फॉरेन पॉलिसी एम एंड क्रिएटिंग एंड लास्टिंग पीसफुल एंड टॉलरेंट इंटरनेशनल ऑर्डर। यानी जॉन रॉल्स के बारे में हम भी बता सकते, तो उन्होंने जो भी लिबर्टी के बारे में पता है, इक्वलिटी के बारे में पता है, लेकिन उनका जो जस्टिस है, एक इसके बारे में कहता है, तो वो फेयरनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कहलाते हैं। तो उनका न्याय का, उनका सिद्धांत जो भी है, समान बुनियादी अधिकार वाली या समतावादी आर्थिक व्यवस्था में सहकार या सहयोग करने वाला, स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं, साथ ही साथ जो निष्पक्षता न्याय के बारे में भी ज़्यादा बोलते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है वह जस्टिस इज अ फेयरनेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू रॉल्स द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर डिटरमाइंड बाय। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स द करेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर डिटरमाइंड बाय गॉड, नेचर, द कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी, द चॉइस दैट रैशनल इंडिविजुअल्स वुड मेक इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यानी रॉल्स के अनुसार न्याय के सही सिद्धांत किस पर निर्धारित होते? भगवान पर निर्धारित होते, नेचर यानी प्रकृति पर निर्धारित होते, समाज की परंपराएं पर निर्धारित होते, या वह जो विकल्प, जो तर्कसंगत व्यक्ति किसी काल्पनिक स्थिति में चुनेगी, यहाँ पर वह रॉल्स के अनुसार न्याय का सिद्धांत निर्धारित। भगवान पर तो नहीं होते, प्रकृति के बारे में भी रॉल्स ने कुछ नहीं कहा, तो समाज की परंपराएं के बारे में भी रॉल्स की कंसेप्ट में कुछ हमें दिखाई नहीं देता। तो वह एक क्या है? वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। यह हमें पीछे भी उन्होंने बताया था, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक चॉइस है, रैशनल इंडिविजुअल वुड मेक इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन होना चाहिए। तो इसी कारण रॉल्स के अनुसार सही सिद्धांत क्या हो सकता है? तो वह एक विकल्प जो है, वह तर्कसंगत व्यक्ति क्या कर सकती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को क्या कर सकती है, चूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी, द चॉइस दैट रैशनल इंडिविजुअल वुड मेक इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, हियर रॉल्स प्रपोज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इग्नोरेंट ऑफ देयर और अदर सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल और मेंटल फैक्टर्स कम टुगेदर टू मेक लॉज
for themselves. The idea behind this assumption is that everyone would be virtual equally in such a situation. Governance will not be influenced by the self-centered desire of the certain section of the society. Then there would be no hierarchy in bargaining power in the collective conception of justice. Under this stage, there will also be equal sharing of burdens and benefits of among all. इस धारणा के पीछे यह विचार ऐसे रखते हैं कि इस स्थिति में सभी लोग जो भी वस्तुता क्या होंगे, समान होंगे, इक्वली होंगे. इन दिस सिचुएशन शासन व्यवस्था क्या कर सकती है, तो शासन व्यवस्था समाज के कुछ वर्गों को क्या कर सकती है, आत्म केंद्रित इच्छाओं से प्रभावित नहीं होने देंगी. तब यहाँ पर न्याय की जो भी सामूहिक अवधारणा में, जो भी सौदेबाजी की शक्ति में कोई भी पदानुक्रम जो भी रहेगा, वह क्या हो सकता है, नहीं हो सकता. इसी कारण राज के तहत सभी के बीच में बोझ और लाभों का क्या हो सकता है, समान बंटवारा ही हो सकता है. इसके साथ ही रॉल्स ने एक काल्पनिक स्थिति में, जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हमने बताया था कि उन्होंने ऐसे लोगों का एक समूह जो अपने या दूसरों के जो भी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक यानी मानसिक कारकों से अनिभिन्न होती अपने लिए कानून बनाने के लिए एक साथ आते हैं. ठीक है, जो भी मेंटल फैक्टर्स कम टूगेदर टू मेक लॉस फॉर देमसेल्फ. इसके साथ ही इनका आंसर था जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट. यहाँ पर हमें बताया गया करेक्ट, जो भी हमें यहाँ पर बताया नहीं गया है, हमें इसमें से नॉट करेक्ट बताया गया. इस यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हमें यूजीसी नेट के लिए क्वेश्चन बताया जा सके, तो पहले क्या करना है, हमें पहले फोकस किस पर डाले, क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें दी गई है, कौन सी कंसेप्ट दी गई, हमें क्या पूछा गया, हमें इज पूछा गया, इज नॉट पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, नॉट करेक्ट पूछा गया, ट्रू है, नॉट ट्रू है, फॉल्स है, नॉट फॉल्स है, यानी जो भी वर्ड जो है इनमें से जो भी पूछा गया, इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें राउंड करना है. पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा उनमें से क्वेश्चन हमें साइलेंटली क्या करना है, रीड करना है. रीड करने के बाद हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो, इनमें से जो भी हाईलाइट करना हो, उनमें से हमें हाईलाइट करना है, राउंड करना होगा. जो भी इसमें क्या पूछा गया, हमें नॉट करेक्ट पूछा गया, इनमें से क्या हो सकता है. जब भी हम जेएस मिल और जब भी हम ऑप्शन पढ़ते तो हमें पता नहीं जॉन रॉल्स और थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बताते, इनमें से हम क्या करते हैं, गलती से यहाँ पर टिक करते और अब आ जाते. तो मिस्टेकली क्या हो सकता है कि यह आंसर हमारा रॉन्ग हो सकता है. क्यों रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, वह क्वेश्चन जो है हमें क्या किया, उनमें से हमें फोकस नहीं किया और वो क्वेश्चन जो है तो हमने केयरफुली रीड नहीं किया. इसके लिए यूजीसी नेट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही रहते. इसके लिए फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट की दैट विच इज आप क्वेश्चन जो रहेगा वह क्या करना है, केयरफुली रीड करना होगा जो भी इनमें से पूछा गया हो. ठीक है, इनमें यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से जो भी पेयर दिए गए हो वहाँ से हमें एक नॉट करेक्ट है, यह एक गलत है, यह जो भी जोड़ा दिया हुआ है इनमें से वह क्या है, गलत है और सही नहीं है. तो इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है कि वही सही नहीं है, तो ए ऑप्शन में दिया है कि जेस्मिन मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में कहते हैं, अरिस्टोटल न्यू लिबरलिज्म बारे में कहते हैं क्या, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में कहते हैं, माओ ज़ेडुंग जो है वह क्या है, क्लास वॉर स्टेज के बारे में, सोशलिस्ट के बारे में बताते. तो इनमें से हम क्या कर सकते, एलिमिनेशन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं. हमें जॉन रॉल्स के बारे में मालूम है, थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्हीं है, मॉडर्न लिबरलिज्म भी हमने पता है कि जेस मिल के बारे में पता है, माओ ज़ेडुंग जो है वो सोशलिस्ट के बारे में बताते. तो यहाँ पर अरिस्टोटल जो है उन्होंने लिबरलिज्म के बारे में और न्यू लिबरलिज्म के बारे में कोई भी कंसेप्ट नहीं दिए, इसके कारण जो भी नॉट करेक्ट यह आंसर रहेगा, तो वह आंसर रहेगा अरिस्टोटल जो भी निम्न से जो भी जोड़े दिए वह है बी अरस्तु, नया उदारवाद जो है, उदारवाद जो है न्यू लिबरलिज्म के बारे में वह नहीं कहते. इसी कारण जो सिक्स का आंसर जो है, आंसर इज दैट बी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्राम्सी के बारे में बताया गया है कि ग्राम्सी इज द बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ. ठीक है, ग्राम्सी कौन से थ्योरी के लिए, कौन से सिद्धांत के लिए जाना जाते हैं, तो रेडिकलिज्म सोशलिज्म है, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है, कल्चरल हेजेमोनी और नॉनऑप्टिमिज्म. ग्राम्सी को उनके सिद्धांत पर रिकार्डियन समाजवाद के बारे में जानना चाहते हैं, अधिपत्य स्थिरता सिद्धांत के बारे में, सांस्कृतिक अधिपत्य यानी कल्चरल हेजेमोनी और
इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम्सी इज द बेस्ट नोन फॉर हेजेमनी, बट विच हेजेमनी? ठीक है, हेजेमनी तो आपको मालूम है कि ग्राम्सी इनके बारे में कहते हैं। यहाँ पर हेजेमनी दो बार आए, तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, वो क्या हो सकते हैं? इलिमिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हेजेमनी स्टेबिलिटी थ्योरी उन्होंने बताया क्या? नहीं, यहाँ पर ग्राम्सी जो है उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में, जो हेजेमनी थ्योरी हुआ स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। तो किसके बारे में बताया उन्होंने? तो कल्चर के बारे में बताया। तो ग्राम्सी इज द बेस्ट नोन फॉर इज अ थ्योरी ऑफ कल्चर हेजेमनी। तो इनका आंसर हो सकता है, आंसर इज दैट सी, जो ग्राम्सी को उनके सिद्धांत के लिए सांस्कृतिक अधिपति यानी कल्चरल हेजेमनी के बारे में क्या करते हैं, जाना जाता है। ठीक है, तो ग्राम्सी इज द बेस्ट नोन फॉर एज अ थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजेमनी विच डिस्क्राइब हाउ द स्टेट एंड द रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास, द कैपिटलिस्ट क्लास यूज द कल्चर इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन पावर इन अ कैपिटलिस्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ग्राम्सी द कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप्स अ हेजेमनिक कल्चर यूजिंग आइडियोलॉजी विदाउट वायलेंस इकोनॉमिक पावर और कोर्शन। द डोमिनेंट कल्चर ट्रांसमिट इट्स ओन वैल्यूज एंड नॉर्म्स सो दैट दे बिकम द कॉमन सेंस values of all, thus maintaining the status quo. Cultural hegemony is therefore used to maintain consent rather than forced to maintain the capitalist system. यानी सांस्कृतिक जो भी हेजेमनी है उनका उपयोग जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, बल के बजाय सहमति बनाए रखने के लिए क्या करता है, यूज किया जाता है। साथ यह सांस्कृतिक हेजेमनी अधिरचना का निर्माण करने वाली जो भी संस्थाओं के माध्यम के प्रमुख द्वारा क्या करते हैं, निर्मित और पुनरुत्पादित किया जा सकता है। यानी दिस कल्चर हेजेमनी इज क्रिएटेड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय द डोमिनेंट क्लास थ्रू द इंस्टीट्यूशन दैट फॉर्म द सुपर स्ट्रक्चर है। यानी जो भी सुपर स्ट्रक्चर है इनके लिए क्या कर सकते हैं, कल्चरल हेजेमनी का अधिरचना है वह निर्माण करने वाले जो भी संस्था है उनके माध्यम से क्या कर सकते, पूरा वर्ग द्वारा निर्मित और रिप्रोडक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एंटोनियो ग्राम्सी व्यूज ऑफ पावर। यहाँ पर हमें जो भी एंटोनियो ग्राम्सी की पावर्स के व्यूज है यहाँ पर हमें बताया गया क्या है। इट कम्स आउट अ बैरल ऑफ गन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कोर्शन एंड कंसेंट, इट इज अ प्योरली इकोनॉमिक, और दी ऑल ऑफ द ऑप्शन गिवन आर करेक्ट। यानी सत्ता के बारे में एंटोनियो ग्राम्सी का दृष्टिकोण क्या है, यह हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया। यह बंदूक की नली से निकलता है, यह जबरदस्ती और सहमति का मिश्रण है, और यह पूरी तरह से आर्थिक है। यानी इट इज अ प्योरली इकोनॉमिक, या दिए गए सही विकल्प जो है सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सत्ता के बारे में जो भी ग्राम्सी का दृष्टिकोण है वह बंदूक की निकली हुई नली से निकलता है यह नहीं है। इसके साथ ही दिए गए सही विकल्प भी यहाँ पर सही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी वह इलिमिनेट होते हैं, यह पूरी तरह से आर्थिक नहीं है, यह पूरी तरह से कि प्योरली है क्या नहीं, तो वह क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कोर्जन एंड कंसेंट। देन एंटोनियो ग्राम्सीज व्यूज ऑफ पावर इज दैट अ मिक्सचर ऑफ कोर्जन एंड कंसेंट, सो दैट आंसर इज दैट बी। ठीक है, तो ग्राम्सी क्या कहते हैं, तो ग्राम्सी ने सत्ता के मैकियावेलियन दृष्टिकोण आधा जानवर आधा आदमी के रूप में अपनाया। यानी ग्राम्सी एडॉप्ट द मैकियावेलियन व्यूज ऑफ पावर एज अ हाफ बीस्ट एंड हाफ मैन, इंप्लाइंग दैट पावर नॉट ओनली कम्स फ्रॉम कोर्जन एंड डोमिनेंस बट ऑल्सो फ्रॉम अचीविंग कंसेंट, दैट इज द मिक्सचर ऑफ कंसेंट एंड कोर्जन। ठीक है, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन सेंस दैट मोस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी कैन आइडेंटिफाइड विद। इसीलिए जो भी उनका दृष्टिकोण है वह मिक्सचर ऑफ कोर्जन एंड कंसेंट के बारे में कहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ माओ ज़ेडोंग सेइंग। ठीक है, यहाँ पर हमें माओ ज़ेडोंग जो भी क्वेश्चन आए वही हमें पर बुक के बारे में और जो इनका जो कोई रिटर्न ऐसे के बारे में ही पूछे गए, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है हम देख सकते हैं कि माओ ज़ेडोंग के बारे में जो भी क्वेश्चन है वही हमें बुक के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ माओ ज़ेडोंग सेइंग, द ग्रीन बुक, माय स्ट्रगल, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम या लिटिल रेड बुक। ये पूरा कंसेप्चुअल है, यह हमें मालूम ही होना चाहिए। मैंने
पिछले सेशन में भी हमें बताया था कि जो भी थिंकर्स है उनके बुक्स है वह हमें नोट डाउन करने चाहिए, और रोज हर रोज वह हमें क्या करना है, हर रोज हमें वह रिवीजन करने चाहिए। साथ ही साथ रिवीजन करते करते हमें मालूम पड़ता है कि इलिमिनेट करने का हमें एक तरीका भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये किसका बुक है और ये किसका बुक नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया, तो माओ झेडोंग के बारे में जो भी माओ से तुंग के कथनों की पुस्तक का नाम क्या है यहाँ पर हमें बताए, तो ग्रीन बुक है या लिटिल रेड बुक है। तो इसका आंसर है, ये पूरा फैक्चुअल है इसीलिए इनका आंसर है डी, जो इनके बुक का नाम है लिटिल रेड बुक। तो इसका आंसर है लिटिल रेड बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन, माओ झेडोंग के बारे में ही बताया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 10, माओ झेडोंग गेन एंड इम्पोर्टेंट पावर बेस वेन इन 1964 हिज लिटिल रेड बुक, ठीक है। यहाँ पर भी हमें पूछा गया, लिटिल रेड बुक वॉज मेड रिक्वायर्ड रीडिंग फॉर ऑल पीजर्स और मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और ऑल मेंबर्स ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। यानी जो भी माओ झेडोंग के एक महत्वपूर्ण शक्ति आधार को प्राप्त करते हुए जब 1964 में उनकी जो भी लिटिल रेड बुक थी को पढ़ने के लिए क्या आवश्यक बनाया गया था, सभी किसानों के लिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों के लिए, सभी जिला मैजिस्ट्रेट के लिए या पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो भी है कंसेप्चुअल बताया गया कि लिटिल रेड बुक यहाँ पर है और वो किसके लिए रिक्वायर्ड करती है, तो वह ऑल मेंबर्स ऑफ द पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए क्या करती है, रिक्वायर्ड रीडिंग करती है। तो इसका आंसर जो है, आंसर इज दैट डी है। तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि माओ को लगा कि सशस्त्र क्रांति आज उतनी ही आवश्यक है जितनी मार्क्स या लेनिन ने कही थी। माओ के अनुसार श्रमिक वर्ग सभी क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या कहता है, रीढ़ था, इसीलिए उन्हें छापामार कार्रवाई का अच्छा प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। क्रांतिकारियों का ऐसा माहौल बनाना होगा जो गृह युद्धों को बढ़ावा दे। गृह युद्ध शुरू होने के बाद उन्हें हावी होने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही कोई भी क्रांति जब तक सफल नहीं हो सकती तब तक किसान किसानी का साथ न हो, लेकिन नेतृत्व हमेशा कार्यकर्ताओं के क्या होना चाहिए, हाथ में ही होना चाहिए। इसके साथ ही अप्रशिक्षित अकुशल किसानों को हमेशा नेतृत्व की क्या हो सकती है, लीडरशिप की क्या हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है। नेतृत्व के बिना कोई वास्तविक क्रांति नहीं हो सकती। माओ ने क्रांति की पहचान किसानों से की, उन्होंने बताया कि किसानों पर हमला क्रांति के खिलाफ एक अपराध था। उन्होंने क्रांति में किसानों को भी भूमिका दी थी, लेकिन यहाँ पर हम यही भी देखना चाहते कि साथ ही जो भी पीपल्स लिबर्टी पीपल्स थे, लिबरेशन पीपल थे, उनके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने बताया था। इसके साथ ही जो भी, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि क्रांति चीन की धरती से विकसित हुई थी और इसके माध्यम से 100 वर्षों तक विद्रोह, दमन, क्रांति और क्रांति के चीन को इतना निर्दयी लेकिन बना दिए। एक ही बड़ी हिंसा का क्या थी, अपरिहार्य थी। सांस्कृतिक क्रांति का समाज सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए माओ त्सेतुंग के नेतृत्व में 1966 और 1969 के बीच चीन गणराज्य में शुरू किया गया और एक शक्तिशाली अभियान था। इनके साथ ही सांस्कृतिक क्रांति ने माओ और अन्य कट्टरपंथियों, जो भी पार्टी कैडरों, राज्य अधिकारों, बुद्धिजीवियों को खत्म करने के लिए प्रेरित किया जो उनकी सत्ता के लिए क्या थे, खतरा थे। इसके साथ ही इनका जो भी आंसर रहता, तो जो पीपल्स लिबरेशन बना दिया कि पीपल लिबरेशन आर्मी के सदस्य के लिए क्या किए थे, रिक्वायर्ड की गई थी, ठीक है। इसके साथ ही जो भी आज हमें रॉल्स के बारे में, झेडोंग के बारे में और ग्राम्सी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जो भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, इनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। हमारे एग्जाम साथ ही जून में होने वाले और साथ ही जो भी दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहते हैं इनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। आपको यह सेशन कैसा लगे मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जब आपको यह कंटिन्यू करना चाहे तो प्लीज़ कमेंट करें कि कंटिन्यू करें और लेक्चर और भी ले जा सके, ठीक है। इसके साथ ही हम आगे से भी और ज़्यादा जो भी यूनिट रह गए, रिमेनिंग जो भी यूनिट्स हैं उनके साथ ही हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन थ्रू एमसीक्यू ले सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हम कंटिन्यू करें या ना करें, ठीक है। इसके साथ ही आज के सेशन में आपको कैसा लगे इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।